we go. ओके तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से थोड़ा बहुत पता चली गया होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप जो आमतौर पर पीसी में हाई एंड गेम्स खेलते हैं जैसे कि जस्ट कॉज 3, WWE 2K18 या फिर डेवल मे क्राई, इस तरीके से जो हाई एंड पीसी गेम्स हैं जो कि आप सिर्फ पीसी में ही खेलते हैं उन्हें किस तरीके से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में चला सकते हैं, उस तरीके के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही सिंपल सी हैं, और रिक्वायरमेंट सिर्फ दो हैं। जो रिक्वायरमेंट्स वही हैं कि आपके पास एंड्रॉयड होना चाहिए, और एंड्रॉयड में जो एक एप्लीकेशन है वो होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास एक अच्छा 4G स्टेबल कनेक्शन होना चाहिए। दैट्स इट। इन रिक्वायरमेंट्स के बाद आपको सिर्फ मेरे इस प्रोसीजर को फॉलो करना है, लास्ट तक देखिए वीडियो। और मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। Here we go. तो फ्रेंड्स, हैवी गेम्स को या पीसी गेम्स को अपने फ़ोन में चलाने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। आप गूगल प्ले पे जाइए, सर्च कीजिए जी लाउड या ग्लाउड, आप इसे बोल सकते हैं। ग्लाउड गेम्स नाम की एक एप्लीकेशन है, इसे आप सर्च कर दीजिए और आपको जो सर्च रिजल्ट्स में सबसे पहली एप्लीकेशन मिलती है ग्रीन कलर के आइकन के साथ, ग्लाउड गेम्स जो पब्लिशर हैं इसके, जो गेम क्रिएटर है वो नाम है इनका, और जो गेम्स चलाने के लिए अच्छा एमुलेटर है, मतलब एमुलेटर इन द सेंस ये नहीं आपको कोई रोम वगैरह डाउनलोड करनी है एमुलेट करने के लिए, यहाँ पर जो है आप सिंपली इंटरनेट से कनेक्ट होकर सारे गेम्स खेल सकते हैं। यहाँ पर टेकन 7 वगैरह सभी गेम्स मैंने इंस्टॉल कर रखी है। आपको इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन को ओपन करना है और थोड़ा बहुत सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ मैं थोड़े टाइम से इसे यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं इस पेज पे जा चुका हूँ। तो ये जो गेम्स हैं ये हैं ट्रायल गेम्स, जिनमें से हर एक गेम को आप 30 मिनट्स के लिए खेल सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि गेम कैसा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पर मंथली पैक्स भी हैं, और यहाँ पर ये हैं कुछ VIP और SVIP गेम्स जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है और खेलने के लिए, और साथ ही इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा ख़राब है तो यहाँ थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस इतना अच्छा ना मिले। और यहाँ पर जो गेम है मैं जस्ट कॉज 3 आपको खेल के दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर गेम स्टार्ट करने से शुरू करते हैं तो मतलब यहाँ पर जो है मल्टीप्लेयर गेम्स को भी खेल सकते हैं आप। यहाँ पर ये गेम जो मल्टीप्लेयर मोड में भी ओपन हो सकता है, तो यहाँ पर जो गेम है वो एक्चुअली मल्टीप्लेयर मोड में ओपन हुआ है। मैं यहाँ पर मल्टीप्लेयर में नहीं खेलने वाला हूँ क्योंकि यार इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा ठीक नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा। खैर, यहाँ पर मैं जाता हूँ एग्जिट क्यू से, यहाँ पर क्लिक करता हूँ एग्जिट और गेम को दोबारा से ओपन करते तो गेम जो है नॉर्मल वे में चालू हो जाएगा, और जो गेम स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यार गेम्स थोड़े बड़े होते हैं तो स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं गेम को तो गेम की लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मतलब विचर 3 वगैरह आप खेल सकते हैं अगर आप प्रीमियम यूज़ करते हैं, आप पे करते हैं गेम्स के लिए। तो यहाँ पर मैं जो है जस्ट कॉज 3 खेल के चला के दिखा रहा हूँ, उसके बाद जो है गेम प्ले आपको दूंगा आगे लास्ट में वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर टॉम रेडर गेम भी मैंने खेला था, वो भी काफ़ी अच्छा चला था, तो आप लास्ट में जाके उस गेम प्ले को देख सकते हैं। यहाँ पर गेम है वो स्टार्ट हो गया है चलना, और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, अच्छी रैम है फ़ोन में, अच्छा प्रोसेसर है, वैसे रैम और प्रोसेसर का कोई यहाँ पर काम नहीं है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन ही अच्छा चाहिए सर। तो यहाँ गेम्स की सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं 480p में, 720p में, 576p वगैरह में आप गेम को चला सकते हैं स्क्रीन साइज़ में, और पिक्चर क्वालिटी लो हाई मीडियम में अडेप्टिव पर रख सकते हैं। तो जो गेम है वो स्टार्ट हो गया है चलना, और यहाँ पर आगे स्क्रीन मतलब आपको बाकी गेम प्ले देखना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, आप भी इंटरनेट इस तरीके को ट्राई करने वाले होंगे कि पीसी गेम्स को प्ले करने के लिए। और बस यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ अच्छा आपको बताया है तो यार वीडियो को यार प्लीज़ लाइक कर सकते हैं आप, अच्छी आपसे रिक्वेस्ट है यार वीडियो को लाइक कर दिए अगर जेन्युइनली पसंद आई हो। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इस तरीके की वीडियोज़ आपको पसंद है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही चाहते हैं कि वीडियो जो है आप मिस ना करें तो मेरे बराबर के बेल आइकन को दबा सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।